नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, बीते एक हफ्ते में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दूं कि आज एक मुठभेड़ शुरू हुई है राजौरी के काराकोट, जम्मू कश्मीर में, जहां पर एक सूचना मिली थी, एक इंटेल रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ के काराकोट इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है कुछ लोगों की। जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया, कॉर्डन ऑफ किया उस इलाके को, जैसे ही आतंकवादियों ने अपने आप को घिरता हुआ देखा, उन्होंने फायर किया जवानों के ऊपर। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो है वहां पर अभी भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुठभेड़ चल रही है, और जब आतंकवादियों ने हमला किया, गोलीबारी की, उस दौरान उस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 से 3 जवान जो हैं वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दूं कि ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर बीते 12 और 13 सितंबर को हुई एक भीषण मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जवान शहीद हुए थे और एक आर्मी डॉग कैंट जिसका नाम था वो भी इसी मुठभेड़ में शहीद हुई थी। आपको बता दूं कि पिछले शनिवार को भी एक मुठभेड़ हुई थी कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में, जहां पर 2 आतंकवादी जो थे वो उन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया था। ये आतंकवादी उस वक्त मारे गए थे जब ये आतंकवादी सीमा पार से सुरंग बना करके, सुरंग के जरिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उसी दौरान जो हमारे जो तैनात जवान थे सीमा पर, जो तैनात हमारे जवान थे, उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाई और वहीं पर इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फिलहाल जो काराकोट में आतंकवादी मुठभेड़ चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो भारी हथियारों से लैस हैं, आधुनिक हथियारों से लैस हैं। और सबसे बड़ी ऐसे एनकाउंटर्स में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जिस इलाके में ये होते हैं, जिस तरीके की जो एनवायरमेंट होता है, जो जंगल होता है वहाँ का, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी मुठभेड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमने अनंतनाग मुठभेड़ देखी जो कि लगभग एक हफ्ते चली, उसका कहीं ना कहीं कारण वहाँ का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, उस तरीके के जो एरिए होते हैं, डेंस जो जंगल होते हैं, उनके कारण मुश्किल आती है। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है पिछली मुठभेड़ों से सबक लेकर के भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो आधुनिक हथियारों जैसे ड्रोन और इन सभी चीज़ों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो ये आतंकवादी हैं जिन्हें घेर रखा है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, उनका खात्मा किया जा सके। हो सकता है कि शाम तक या फिर कल तक एक अच्छी खबर हमारे लिए आ सके, भारतीय सेना के लिए आ सके। जो जवान इस मुठभेड़ में घायल हैं, शिवालिक जनरल उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।